डॉक्टर दीपिका। जैसा कि आपने इंट्रो पार्ट में देखा तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको इस वीडियो में दांतों पर से टार्टर हटाने का एक लाइव वीडियो दिखाएंगे। पर अगर आपके दांतों में भी टार्टर जमा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे डेंटिस्ट के पास जाकर आसानी से हटवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शॉर्ट और सरल तरीके से दिखाएंगे कि कैसे डेंटल हॉस्पिटल में दांतों पर से टार्टर हटाया जाता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर सुन नहीं किया है, एनेस्थेशिया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टार्टर जमा है वो मसूड़ों के ऊपर की साइड ज्यादा है, मसूड़े के अंदर इतना अधिक नहीं है। अगर मसूड़े के अंदर होता तो मशीन को मसूड़े के अंदर चलाने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर फिर भी आवश्यकता होने पर या मरीज के कंप्लेन करने पर हम एनेस्थेशिया दे देते हैं। पर पूरी बात यही है कि सफाई कराने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। हम बात करें कि इसके जमने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे मेन कारण होता है दांत और मुंह की सफाई नहीं करना, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और इस पर ये सीरीज ही चल रही है। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है, जिसको आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये मशीन अल्ट्रासोनिक स्केलर है, जिससे कि दांतों की सफाई की जाती है। इसमें बहुत ही फाइन वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे कि दांतों को नुकसान नहीं होता और इसकी वजह से प्रोसीजर के दौरान दांत में भी कोई दर्द नहीं होता। दूसरी पाइप जो लगाई जाती है वो पानी खींचती रहती है, जिससे कि मुंह में पानी इकट्ठा नहीं होता और आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इस केस में आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रोथ या मसूड़ा इनके दांतों में जमा टार्टर की वजह से ही है। तो देखिए मशीन से कैसे ये टार्टर हटता जा रहा है, और ये जो ग्रोथ है इसको हटाने का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये स्टील जैसा दिख रहा है, ये रिट्रैक्टर है, मतलब मुंह को खुला रखने के लिए हमने कुछ लगाया हुआ है। इसकी वजह से भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती है और इलाज में भी आसानी होती है। इस वीडियो में हम दांत के बाहर की तरफ, मतलब होंठ की तरफ वाली सतह की सफाई दिखाएंगे, क्योंकि अंदर की तरफ कैमरे से रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट करने जा रहे हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो।
इनकी सफाई 2 से 3 सीटिंग में कंप्लीट हुई है और हर बार 2,000 रुपए का खर्चा आया है, मतलब टोटल 6,000 रुपए लगे हैं और ये सफाई और पॉलिश दोनों का खर्चा है। तो अब आप देख सकते हैं कि सफाई पूरी हो चुकी है और आप अब पहले की और बाद की तस्वीरें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, तो देखते रहिए आपका अपना चैनल डॉक्टर दीपिका रोशन। थैंक यू।